अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है? ठीक हो? तभी सर ठीक है। आज मुसलसल तकरीबन 15 से 20 दिन थी शनाख्ती कार्ड मेरा बन के बना पे उसे नादरा ऑफिस। पहले एक बंदा मैंने पे उगू मैं दिता टोकन तो मैं यार शनाख्ती कार्ड चाहिए हमें, लेकिन वो भी भूल गए। तो कल भी एक बंदा गया उगू में आके यार शनाख्ती कार्ड मेरा चाहिए हमें, लेकिन वो भी टोकन उठी भूल गए। तो हूँ आपने चक 72 महीने पे उगुन टोकन चेने तो आज एक यार 20 बंदा मैंने पे तो उ शायद टोकन है मत वो किस चाहे किस्मत ना ये तो मुश्किल है। लेकिन लोग दूजा काम करना तो नहीं तो नाल तेलों की कटाई भी शुरू है तो उन्होंने कितने सोप गिने तो वो भी गिने तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी दो चैनल पर रहे हैं लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ लगी बेल को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। कल जो टोकन दिता से ना वो बंदा तंग है उतना सर चाक पात्र को ले गया दाई, लेकिन वो रात पे किधर से यार वो बंद रात पे किधर सी तो सबको टोकन मिल गए। तो सारा हूँ खिजर दोस्तों मतलब कजन सारा वो बंदा पिया ही लई है वो कुछ दिते से इम्कान तो कौन भाई चावे, लेकिन मैं तो रखे ने मत चावे। तो हूँ पिने घेंगे से थोड़े सामने ये सूत्र मतलब तेल दिना बधीने तो जल के देने पता करने के उन्हें तेल भी बधीने मार तेल तरी से निके तेल क्यों है मार तरी से उसके बड़े कपड़े ने अच्छा आप ऐसा माल अपना कपड़े ना करा कपड़े ना पिलान कटाई शुरू होते हैं पिछड़े मासाड़े दे मासाड़ी काम को दबी होते हैं ये जी ये चीज़ बिकनी पहली ठीक है क्या डिठे उस शायद लगने का पता करना उसी अक्सर तुसा मतलब सारी चाह पींदे वे ते उंदे ते कुछ पत्ते जड़े होने एक किस्म पत्रे किस्म दे टैप हुन ते ओ तुसा सारी टैप चाह न रल लेंदे वे ए उ सावे पत्रे उ है मतलब इने को मतलब ना सुके सु चाह बिल्कुल वीए भी करके चंगे एक डूडू हाथ त्रै दबारा धोते सुका के ना पत्ती सावे चाह जड़े तौर पे इस्तेमाल थी ए ये पत्रे होने जड़े ये सटिंग ते बड़ी वीए भी करके सारे देहात है ए भी अक्सर मिले वन देहात का यो कोई मजा है बड़ा वी आई पी माहौल होता है जवान भी तैयार है। मैं सोची बैठा हम तो जवान लगे गए उस क्योंकि काफ़ी देर मेरे को पहले ना ये आए बैठे ने पहले उदे घर लगे गए अपने मत मैं कि शायद लगे गए उस तो जवान मेरी तरह इंतजार करें खड़े जरूर अरे कहाँ नहीं देर से जवान ना शायद मतलब गोश मुक बने मैं अके देने सारी जी किस्मत है ना वो सब को मिल के रहनी भावें जितनी लेट थी वो ना सारी जी नसीबे वो सब को मिल के रहसी परले जवान की शायद जुती है कोई मसला पेश थी गई जवान हली जवान उन पर वेट थी ना पे यार मैं तो कहना भाई इो कुछ शादी का माहौल ज्यादा लोग जमा को पता क्या कांडे सदे को ज्यादा लोगों को पता क्या वजह है। तो नाल जो दू जवान हैं वो नहीं आए पिछु एक आदमी चाहिए तो उन्होंने असा नहीं सियादे हाली उन वाले सब उठी आते उन्होंने लादा हाली थी माहौल छोलेसूँ वरा पर टुरसूँ फिरसूँ तो कल बंदे बाद रू नहीं था वो असन कल उतने वेसूँ तो बधीज के बैठी सूँ तो बही सिंपल रोटी खाधी से सीधा घर में पे घोट साहब सब कहीं भी कहीं दिसा तो असा कोशिश रखूँ कि मत करूँ घर शायद बैठा उसी बाहर निकल आवे तो भी दिखाऊँगा लेकिन घोट साहब ने कड़ी जाते बड़ा पे दिसे कि थूँ कौन तो हूँ रोटी खा के पिछा मैंने पे सारे देहात का रिवाज है कि ज़्यादातर ये जान पहचान लोग होने तो बहुत घट लोग होने बाद होंगे भी ना मतलब अगर कोई ये बस्ती है सारी मतलब सारी बस्ती बहुत ज़्यादा लोग हैं तो अपनी सारी कहीं बस्ती शादी को ना तो कहीं उतना माहौल ही कर बड़े तो उतना रश हो सी क्योंकि चंगी बड़ी बस्ती है तो
ते इत्थां हैक नू खाना सिस्टम होंदे आम तौर पर देहात सारे सिस्टम है गोश्त होंदे ते या फिर चावल होने ते इहो कोई निज़ाम होंदे ज़्यादा कुछ होंदा कोई नहीं तीअं शहरां वाले सत अठ खाने दा सिस्टम होंदे सारे पास ओ सिस्टम कोई नहीं मतलब इत्थां हैक नू खाने नाल लोग खांदे नहीं तां लिखवंदे ते पिछां घर इहां सौण निकले वञे अॼु असां मतलब बग़ैर कंडी गियासीं इअं त न थिए मतलबु सॾे ई कोन हुआसीं वातवी शादी खायसीं नाल ॾू जहिड़े जवान वधियासीं मैं नाल तो पिछले महीने उहे कठे खणिया आहिनि ते उंदा जा वालिद साहिबु अख़्तर मियां उहो को मतिलबु उंदा करीबी उतां उतां हमशाहेदारी मतिलबु तलो चङा ते उहा खे यार छोरो चयां वे तूं तूं बि लॻां वे पद में इरादा कोन्हे चलो मां ठीकु यार थी आने ते काफ़ी ॾियारंदो न गोश वॾा खा खा के न क़ुर्बानी था गोश खा खा के दिमाग़ ई ख़राबु थी वियो ताईं मोटरसाइकल लाइ शोर मोंग थी करे ऐं सवाद किथे गई ज़ोर लवा ज़ोर लवा जवानी मोटरसाइकल निकलंदी पई अॼु फैमिली मतिलबु छोटा गोश खाया मतिलबु हके खड़िया वॾा वॾा गोश खा के क़ुर्बानी था यकीन मानो ज़रा बि यकीन गोश्त रू नी था पत्नी लोग कीअं खा वञनि सारा को निकिरी ईंदा पत्नी ए पत्नी क्या मसला है ते हुन साॾी फेवरेट स्ट्रिंग इहो इंजॉय करे वेठे माशाला जवान काबू थी गए अस मैं कुछ लगता है जवान जवान पुल चढ़ा गए सी ए प्यारे कजन जी पिछू लड़ते पे पिछू ही मिट्टी छटे खड़े नवा नवा जवान है मैकल तो तक वा है लेकिन जगह का माशाला हूँ काबू जगह थी गए के करा पे पे करने क्या पे मुसीदा बनी अज मौसम तो बड़ा वी पी टाइट था खड़े ठंडी ठंडी हवा चलती खड़े डिठे वे जवान कपड़े भी झूले रहने खड़े तो उन तक हवा शायद दरख्त दिसे ना दिसे आज बड़ी मौसम चजदा थी गए बड़ा माहौल वी पी चस आ गई क्योंकि थोड़ा चार दबारा मुसलसल गर्मी पौधी रह गई है तो अचानक मौसम ठर पवना दिल खुश थी सारी कि एक किस्म का एसी है तो अचानक कल रात को ना नहर अचानक सोग गया भी ते रात अपनी फजर ना क्या कुदरत करिश्मा थे अचानक नहर आ गई ते असल ना अजकल मौसम सावण मौसम है ना बारिश मतलब बूं ज़्यादा थी ना पेन ते ही करूँ शायद मैं नहर पानी छोड़ दिन न तो अगर एक बार नहर सा इलाके सुक है ना तकरीबन महीने बाद ही आती है तो एक किस्म चंगा थी कि नहर अद्धी है फिलहाल फुल थी कोनी ते अद्धी बड़ी शह मतलब ध्यान तो एक किस्म की बड़ी नहम आते पानी नहर तो लग वे ना वो एक किस्म का बहुत जरिए है तो अज के बिलाद थी करें पे अख्ताम तो उम्मीद है तक साथ आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तब तक के लिए खुदा हाफिज़।